नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी को कोई भी स्किन का डिसीज हो तो वो यह समझते हैं कि यह कहीं बाहर से आया है, मीन्स वो डिफरेंट तरह के टेस्ट कराएंगे तथा वो यह देखने की कोशिश करेंगे कोई बैक्टीरिया है या कोई भी फंगस है, ठीक है, उसने हमला किया। बट नेचुरोपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट यह मानता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन नहीं है तो चाहे 1 लाख फंगस हो, 1 लाख बैक्टीरिया हो, 1 लाख वायरस हो, वो हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो यह हमारी मानता है, इसके ऊपर हमने बिलीव करना है। तो आइए देखते हैं कि आज नेचुरल वे से, नेचुरोपैथी से कैसे हम फंगस इन्फेक्शन का परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखो, फंगस इन्फेक्शन का मतलब यही है कि आपको कोई दाद हुआ, वो फैलते 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 आपके प्राइवेट एरिया, आपके आपके ये जो आर्म्स है इसमें हो गया, आपके फेस में हो गया, आपके सिर के ऊपर हो गया, पैरों में हो गया, पीछे हो गया, तो इस तरह का जो फंगस है, जो दाद है, अगर वो बढ़ जाता है तो उसको हम फंगस इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें आपको रात को नींद नहीं आती, इन्फेक्शन हो जाता है, वो लाल लाल सर्कल से बना लेता है। ओके, तो इसका परमानेंट क्या है इलाज? तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है कि अंडरस्टैंड द फेलियर ऑफ क्रीम्स एंड मेडिसन। सबसे पहले तो हमें ना अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या क्रीम्स या मेडिसन इसका सोल्यूशन है। उसमें क्या होता है कि आपका ना एक विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाता है। मैं कुछ डेमोस लेके आया हूं आपके लिए, कुछ कलेक्ट किए हैं। मान लीजिए आपने फार्मास्यूटिकल की शॉप में गए और एक मेडिसिन है, क्रीम है, डर्मीफोर्ड, जिसको भी दाद होता है फटाफट फार्मास्यूटिकल की दुकान पे जाते हैं, ये दाद वाली दवाई क्रीम लगा लेते हैं। अब आपको 15 दिन रिलीफ हुआ, वो दाद गैप हो गया आपका, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब कॉन्फिडेंस जब बूस्ट हो जाता है तो सोल्यूशन तो नहीं हुआ कि वो गायब हुआ है, पर इसका मतलब वो परमानेंट ठीक नहीं हुआ, वो अल्पकाल के लिए आपका ठीक हुआ आपको लगता है। तब क्या होगा, 15 दिन मैक्सिमम बात कर रहा हूं आपको कि फिर वही दाद स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी बॉडी के आपके इनसाइड में कहीं और, तो आप एक डर्मीफोर्ड क्रीम और ले आओगे। ऐसे करते करते आपका 1 साल बीतेगा, 15 दिन, 10 दिन, फिर 5 दिन ठीक रहेगा, फिर रहेगा। आप बाजार से जाओगे, एक डर्मीफोर्ड और ले आओगे, एक डर्मीफोर्ड और ले आओगे, ऐसे करते करते दर्जनों डर्मीफोर्ड आपके घर में इकट्ठी हो जाएंगी। ओके, तो सोल्यूशन तो मिला ही नहीं है, आप डिप्रेस हो गए हो कि मेरा जो फंगस इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा। बट यू आर द कस्टमर ऑफ क्रीम सेलर कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उसके बाद क्या होगा, नो रिलीफ, आप फिर सिप्ला वाले के पास चले जाओगे, फार्मास्यूटिकल क्रीम है, 2 क्रीम इसके और ले आओगे, ये भी लगा लोगे। ऐसे करते करते या फिर अल्ट्रा कंजोल कैप्सूल भी खा लोगे, ये कैप्सूल है, ये भी खा लिया। फिर लोफीन क्रीम है, कोल्ट्रीमजोल है, डर्मी है, कोबरा है, कुछ ये मेरे पास हैं, ठीक, और ये देख रहे हो आप इनके नाम, ये डर्मी। ओके, तो यह 5-7
10 करीमे आपके 2 साल बिता देंगे, सोल्यूशन हुआ नहीं है। उल्टा वो जो फंगस इन्फेक्शन था आपने अपने स्किन को खराब कर रही हो, धीरे धीरे वो हो सकता है सोरायसिस हो जाए आपको, हो सकता है कि परमानेंट आपका स्किन है जो वो कैंसर की तरफ चला जाए, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। अब क्या हुआ है कि आप अक गए हो, थक गए हो कि आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, तो वहां से आप डॉक्टर ने दिया आपको गंधक रसायन, ओके, और भी बहुत सारे रसायन आपको दे दिया, ये निबाधि चूर्ण, ओके। तो यहां से आप फिर अक गए, फिर पाउडर लगाने लग गए, कोला फ्रेश आपने पाउडर लगाया, तो यहां से भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उल्टा कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो। फिर आपके दिमाग में आया कि ये सारी अंग्रेजी और देसी मेडिसिन जो मैंने खा ली, अलग 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 मेडिसिन मैंने खा ली, जब पेशेंट ये थक जाता है खा खा के, उससे उसको 5-10 बीमारी और हो जाती हैं, डिप्रेशन रहना, रात को नींद ना आना, खारिश पूरा बूटी को कवर कर लेता है, तो इसका मतलब वो यहां फंसा हुआ है, उसका पैसा भी लग रहा है। कोई भी क्रीम आपको बता देता हूं, इसका 80 रुपीज तो इसका प्राइस है, कोई भी क्रीम 100 या 110 से नहीं है। अगर 2-3 साल आप इसके चक्कर में फंस गए तो दूसरी बीमारियां, जिन इन मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट थे वो भी आपको लगना शुरू हो जाएंगे। तो आपका बैंक बैलेंस खाली और यहां आपकी सेहत और भी दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है। तो इसको कहते हैं वीसियस सर्कल, मीन्स अंग्रेजी दवाइयां हो चाहे किसी भी तरह की मेडिसिन हो, वो बॉडी को सिर्फ साइड इफेक्ट करती हैं। अब सोल्यूशन क्या है, जब तक आप इसको समझोगे नहीं है, ठीक है, जब तक आपके दिमाग में होगा कि भैया कोई मजिस्ट्रा काढ़ा होगा, ये पी लूंगा तो मेरा ये फंगस इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, चाहे जितने भी काढ़े पी लो, चाहे जितने भी मेडिसिन खा लो, जब तक नेचर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे आप सिर्फ यहां वीसियस सर्कल में घूमते रहोगे। तो सोल्यूशन क्या है, जिंदगी भर के लिए इन मेडिसिन से आपने इनको बाय बाय करना है, सभी को आपने ऐसे उठाना है, बहुत सारी मेडिसिन है आपकी, इसको डस्टबिन होता है ना वहां फेंक देना है, ओके, फेंक दिया। अब क्या करना है, जो मेरे सोल्यूशन में आती हैं बातें वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो सेकंड स्टेप है, आउटसाइड स्टॉप ईटिंग। आपके पास टाइम नहीं है ब्रदर, मेरे पास भी टाइम नहीं है। आप कहते हो मैं सुबह 7 बजे बस लेता हूं और चला जाता हूं, खाने का घर में टाइम नहीं है, टिफिन नहीं बनता, 100 प्रॉब्लम्स आप शो कर सकते हो, एक्सक्यूज शो कर सकते हो, बट आपको पता है कि जो आउटसाइड फूड होता है वो टोटल रिफाइंड ऑयल होता है, उसमें जो भी सामान डाला जाता है वो टॉक्सिन रूप में होता है, तो प्रूथा होता है, उसकी वजह से क्या है कि बॉडी में टॉक्सिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो जहां टॉक्सिन होगा वहां गंदगी में आपके जितने भी है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसको हम फंगस इन्फेक्शन कहते हैं, चाहे इसका कोई दूसरा स्किन डिसीज का नाम ले लो, ओके। तो आउटसाइड फूड बिल्कुल बंद, नो एक्सक्यूज, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज करोगे तो क्या है कि समस्या बढ़ेगी। चलो लॉकडाउन हो गया, उसमें तो आदत बन जानी चाहिए थी आपकी, वो तो आपके लिए अच्छा था, फिर लॉकडाउन खुला, फिर आप चले गए होटल में ढाबे में, वो समस्या फिर आ गई। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरे स्टेप में कि यूज नेचर विदाउट मेडिसिन, एक दिन का ना फास्ट रखिए, वैसे तो 2 दिन का भी रखिए, 3 दिन का भी रखिए, 5 दिन का भी रखिए, 10 दिन तक भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है, मैंने खुद 8 दिन तक फास्ट रखा हुआ है, पानी पे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है,
बट मैं आपको कहूंगा अभी एक दिन का किया, आपके बॉडी में से जो मेडिसिन खाए थे, जो क्रीम लगाई थी, उसका टॉक्सिन को बाहर जाने दीजिए। उसके बाद सुबह के टाइम आप 3 फल खाइए, कोई भी फल खा लीजिए, डेली खाते रहिए। ये नहीं कि एक दिन खाया महीना खाया नहीं, एक दिन खाया हफ्ता खाया नहीं, एक दिन खाया 4 दिन खाया नहीं, फिर वो तला हुआ भुना हुआ सब्जी आपने खा लिया, वो नहीं खाना। उससे बॉडी का खून अशुद्ध होता है, जहां खून अशुद्ध होता है, जहां आप तली हुई चीजें मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाते हो वो आपके स्किन को नुकसान करती हैं, नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खाते हो उसका परहेज रखना है, ठीक है। तो या 3 अलग अलग फल या सिर्फ 1 लीटर देसी गाय का ताजा दूध पी लीजिए। तो मौज है ही नहीं, क्योंकि देसी गाय के दूध में ऐसी औषधियां हैं कि दुनिया भर के कोई भी स्किन रोग आपको हो नहीं सकता। ओके, तो यह मेरा पर्सनल तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जिसने भी देसी गाय का ताजा दूध पी लिया उसको स्किन डिसीज हो नहीं सकता। अब दोपहर हो गई, सलाह लीजिए, कुछ भी सलाद है, प्याज है, मूली है, गाजर है, 3-4 तरह के सलाद की इतनी सी प्लेट बना लीजिए। टमाटर तो डेली खाना है, ओके, अगर आपने फंगस इन्फेक्शन को हटाना है। खीरा डेली खाना है, पूरी गर्मियां खाना है, ओके। इन बीच में खीरा तो है ही है, साथ में आप अगर लौकी डाल देते हो और भी बहुत बढ़िया। उसके साथ हल्की सी रोटी लीजिए, चोकर वाली, और उबली हुई दाल हो सकता है आपको, अगर फ्रेश ग्रीन वेज मिल जाए, जैसे मटर के दाने होते हैं, जैसे छोले के दाने होते हैं, फ्रेश पालक होती है जो घर में उगाई हो, तो वो आपको आपका फंगस इन्फेक्शन हील करेगी। फिर शाम होगी, शाम को भी कोई फल फ्रूट खा लीजिए, ओके। तुलसी नीम ग्लोए ये अपनी जिंदगी का साधन बना लीजिए, अगर आपने फंगस इन्फेक्शन को हटाना है। सुबह नीम का दातुन, तो नीम का रस आपके अंदर जितना जाएगा फंगस इन्फेक्शन खत्म होगा, दांत की बीमारी खत्म होगी। तुलसी का भी यूज कर सकते हो, फ्रूट्स फल में कुछ पत्ते सुबह तुलसी के डाल सकते हो, रात को सोते हुए मिक्सी में डाल के रस पी सकते हो, साथ में ग्लोए डाल सकते हो काट के एक डंडी, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और आपका फंगस इन्फेक्शन 9-2-11 कभी नहीं दिखेगा। डेली वॉकिंग तथा योग करना जरूरी है, बॉडी में से जितना पसीना बाहर निकलेगा, जितना आप सांस ज्यादा लोगे, लंबी ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, आपका फंगस इन्फेक्शन जिंदगी भर के लिए बाय बाय हो जाएगा। उसको कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, क्रीम तो आपको जाल में फंसा रही है, 1 क्रीम से 1000 क्रीम लगाते हो, कभी ठीक नहीं हुआ, ओके? तो इस तरह से आपका ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है, बट फिर मैं वही कहता हूं, इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू मेक द वे। आपने घर में रोटी पकाना है, उसका रास्ता आपने बनाना है, आपने तुलसी ग्लोए नीम खाना है, उसका रास्ता आपने बनाना है, आपने फल खाने हैं, आपने देसी गाय का ताजा दूध पीना है, उसका रास्ता आपने बनाना है। मैं बताने नहीं आऊंगा, आपने रास्ता बनाना है, मैंने अपना रास्ता बनाया, तो मैं स्वस्थ हूं, आई एम टोटली हेल्थी, ओके। तो उम्मीद है कि आप कोई भी क्रीम तथा मेडिसिन किसी भी तरह का यूज नहीं करोगे, और जो सिंपल फंडामेंटल लिखा है उसका ही फॉलो करोगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए, तथा मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93-500-24-925-96-2-34-925, ओके। तो वहां आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, कौन सी डेट को, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे बात करूंगा, उसके लिए रेडी हो जाइए। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट लिख दीजिए, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आप सबने इस वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू।